क्वेश्चन नंबर 5 log x dx। अब देखिए कुछ का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो पाता है, जैसे इनवर्स फंक्शन का या लॉगरिथमिक फंक्शन का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता ही नहीं है, तो आपको बाय पार्ट्स ही करना पड़ता है। और यहां पर जो है log x उसी में से एक है, log x dx अगर लिए तो आप इसको कर लेंगे, 1 कंसीडर करेंगे और log x dx, log x फर्स्ट फंक्शन बन जाएगा, 1 सेकंड फंक्शन। ठीक है, अभी हमने इसके पहले एक्सप्लेन भी किया है। अब चलिए log x फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, तो फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ होल डिफरेंशिएशन, यानी कि dx d अपॉन dx ऑफ log x, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन 1 dx होल dx हो जाएगा। चलिए log x और इनटू यह x होगा, ठीक है, ये log x अलग है, इनटू x, x आगे आ जाएगा, माइनस ये log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x और 1 dx का डिफरेंशिएशन जो होगा 1 का वो x होगा, तो यह x से x कैंसिल, जो प्रोडक्ट निकालेंगे तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा और यह क्या होगा, x log x, x log x माइनस ये 1 बचेगा और 1 dx डिफरेंशिएट करेंगे और यहां पर x log x माइनस इंटीग्रेशन x होगा प्लस c और यह आपका आंसर होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, अगर आप इसको ध्यान नहीं दोगे तो ये काफी मुश्किल भी होगा। तो log x dx का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, तो बाय पार्ट्स करते हैं, 1 into log x dx, log x आपका फर्स्ट फंक्शन बन गया, तो पहले log x into 1 का इंटीग्रेशन, फिर log x का, चूंकि फर्स्ट फंक्शन है log x, तो log x का डिफरेंशिएशन 1 का इंटीग्रेशन। अब जो है log x का डिफरेंशिएशन होता क्या है, 1 by x और 1 का इंटीग्रेशन x होता है, x से x कट जाएगा और x into log x यहां पर हो गया क्योंकि x अलग है, log x अलग है, तो x log x हो जाएगा एंड 1 जो है इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर प्रोडक्ट क्या आएगा, x से x कट जाएगा, आएगा 1 1 dx, यानी कि 1 का इंटीग्रेशन आपका x होगा, तो x log x minus x plus c यह log x का इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, यह आपका इंपॉर्टेंट रहा क्वेश्चंस और 5 क्वेश्चन इसमें, अगले जो है लेक्चर में हम और क्वेश्चन लेकर यहां प्रेजेंट होंगे और इसमें कई यानी कि छोटे-मोटे प्रोसेस हैं जो आपको बताने हैं, जैसे मैंने कहा कि अगर एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक दोनों एक साथ आ जाए तो क्या करोगे, उस स्थिति में भी बताना है। ठीक है, तो इनवर्स फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या और कोई फंक्शन आता है तो उसके बारे में अलग-अलग प्रोसेस जो होंगे, खासकर एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल का, वो भी बताया जाएगा कल। तो कल का लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर ध्यान रखें और वीडियो को देखते रहें।